jo, čalo, ok, bye bye, bye bye. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ विकेट राइडर एंड वेलकम बैक टू द चैनल. सो आज का राइड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स रामेश्वरम फ्रॉम पांडिचेरी. तो जो रूट लेने वाले हैं हम लोग पूरा कोस्टल एरिया वाला है, तो साथ साथ में जो पूरा हाईवे चलेगा उसमें लिटरली मज़ा आ जाएगा. और तो अभी यहाँ से हम लोग 5 o'clock हो चुका है, टाइम 5 o'clock हो चुका है. दैट्स राजेश भाई, इनका भी व्लॉगिंग चैनल है RKD व्लॉग्स, डू चेक आउट. अगर आप लोग भी न्यू हो मेरे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. और जो डे वन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड डे टू हम लोगों का जो रहेगा वो भी अमेजिंग वाला रहेगा. तो अभी हम लोग पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं. पैकिंग ऑलरेडी हो चुका है, वैसे हम लोग रात में करके सोए थे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अभी वाला बस इतना है कि सामान वामान थोड़ा सा सेट करके निकल लेंगे हम लोग. और इंस्टाग्राम पे मैंने कल बहुत सारी फोटोज़ खींची थी, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी. यू कैन चेक आउट ऑन माय इंस्टाग्राम विकेट राइडर ऑफिशियल. जो भी सामान वामान था सब सेट हो चुका है एंड टाइम अभी अराउंड 6 o'clock एग्जैक्ट टाइमिंग पे निकल रहे हैं. बहुत सही, अमेजिंग, बिल्कुल सब अभी तक सही से चल रहा है और आगे भी सही चलना चाहिए. 5 दिन का राइड है, मज़ा आएगा. तो अगर आप लोगों आगे वाले भी ब्लॉग्स देखने हैं डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. मिलते हैं अभी रोड पे. ओ ओ वी आर लिविंग नाउ, ऑल सेट. और यहाँ से मिलेंगे रामेश्वरम रूट पे. तो सामान वामान सब सेट हो गया है, अभी निकल रहे हैं. तो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 102 rupees. वाह, 3 रुपए भी कम हुआ तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वैसे तो मिलता ही नहीं है. महंगा महंगा पेट्रोल चल रहा है हर जगह. ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं रामेश्वरम. और रामेश्वरम का जो रूट है एक हाईवे वाला रूट है, बट वी आर गोइंग टू टेक द कोस्टल वन. तो 412 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है, तो उसी हिसाब से देखेंगे. एंड जो एस्टिमेटेड टाइम है दैट इज़ 2 o'clock. 2:50 दिखा रहे हैं. ओ चलो कोई चक्कर नहीं, अपन लोग 1 o'clock मान के चलते हैं. अभी एक्चुअली सनराइज हो नहीं रखा है, बादल हैं तो कैप्चर नहीं हो पाएगा. तो आई थिंक वही अराउंड 7-8 o'clock के सात बजने वाला है. अमेजिंग, लंबा वाला राइड है आज का. इसके बाद में जो रहेंगे वो छोटू छोटू राइड रहेंगे, बट ज़्यादा छोटू भी नहीं रहेंगे, हम लोगों के हिसाब से छोटू रहेंगे. सो अभी हम लोग यहाँ से स्ट्रेट ऑलमोस्ट हम लोग 75 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं. नज़ारे नज़ारे, क्या रोड है. ऐसा वाला रोड आता है ना, मज़ा आता है ड्राइव करने में, बहुत सही लग रहा है. अभी हम लोगों को मिला कोकोनट. हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए अगर आप लोग कभी भी राइड पे जा रहे हो. सो ज़रूरी होता है, बीच में जो भी है स्टॉप ले लो 5-10 मिनट का, बट बेस्ट रहता है. सो यहाँ से जो हम लोग कोस्टल एरिया का जिसका बात कर रहे थे वो यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया, मैप पे दिख रहा है बट उधर पहुँच नहीं पा रहे. जल्दी पहुँचेंगे. यस, ये वाला पूरा समुद्र वाला है, मस्त है. तो यहाँ से जो हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं दैट इज़ दानिश फोर्ट. क्या चर्च है यार, मस्त लग रहा है. 1718, बाप रे, 1718 का चर्च है ये. ये जो आप लोगों को लेफ्ट साइड में फोर्ट दिख रहा है दिस इज़ दानिश फोर्ट. और थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं, आसपास जो समुद्र वाला एरिया है वो दिख जाएगा, व्यू मिल जाएगा. सो यहाँ पे है द ग्रेट इंडियन बट बंद है. इस होटल है बट ये भी बंद है अगेन. साला हर एक होटल बंद है, मतलब कुछ कुछ नहीं खुला भाई. तो हम लोग अभी बिल्कुल बीच के जस्ट साइड में चल रहे हैं
अभी ये वाला रोड ऐसा आएगा कि मतलब जस्ट 50 to 100 मीटर्स पे आपको पूरा बीच दिखेगा, अमेजिंग वाला व्यू होने वाला है। तो अभी सुबह 500 का पेट्रोल भराया था, अभी दिखा रहा है 96 का रेंज। एक बार यहाँ से दोबारा से फिल करा लेते क्योंकि जो डेस्टिनेशन है दैट इज अराउंड 170 किलोमीटर फ्रॉम हियर। बस बस फाइनली 100 किलोमीटर स्ट्रगल करने के बाद में वी आर हैविंग दिस मंदी इन अरहब एसी रेस्टोरेंट। ज़्यादा ऑर्डर होगी बट लेट्स सी जितना खा पाएंगे खाएंगे। तो अभी हम लोगों को मिले रजा भाई, हिनायक, अच्छा अच्छा बड़े भाई हो, अच्छा तो काफ़ी अच्छा सर्विस था, इन्होंने खिलाया मंदी हम लोगों को आज, तो बढ़िया मज़ा आ गया। अभी यहाँ से जो बाकी बचा था वैसे तो काफ़ी ज़्यादा था क्वांटिटी, तो बट अभी इधर से आगे निकलने वाले हम लोग, यहाँ से रामेश्वरम निकले तो थोड़ा सा पैक हो गया है सामान, तो ये वाले में हो गया अभी रख लेंगे पीछे। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ इधर से नहीं जाएंगे हम लोग, कन्याकुमारी से कोडाईकनाल से होते हुए जाएंगे। जी जी वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स रामेश्वरम। लंच करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, 1:47 हो चुका है और हम लोग आई थिंक 1:00 के अराउंड रुके थे, बट ट्रस्ट मी मैन अरहब, हाँ एक्चुअली ब्रेकफास्ट का टाइम भी हम लोगों ने स्किप कर दिया। सो अरहब रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा था, अरेबियन स्टाइल जो भी डिश था। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो हम लोग रुक गए थे, अमेजिंग फूड मैन। सो बिल्कुल ही पैरेलली चल रही है रोड, पूरा समुद्र दिख रहा है, मस्त वाला नज़ारा है यार। मतलब थोड़ा आई जस्ट होप कि थोड़ा सा और पास होती रोड, बिल्कुल ऐसे समुद्र की लहरें बाइक पे आती है। सो थोड़ा सा हम लोग अंदर साइड जा रहे हैं ताकि वो पूरा बीच वाला जो व्यू है ना वो अपने को आ पाए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बीच पे तो पहुँच गए बट बीच वाला अभी तक फ़ोटो एक भी नहीं है। यहाँ पे बहुत अमेजिंग सी जगह लग रही है, बहुत सही है। अभी यहाँ पे तो पक्का ड्रोन बनता है उड़ाना है, ऐसे ऐसे लगा दो और मैं इधर से उड़ाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन मिला था हम लोगों को और बहुत सही था, बच्चे इकट्ठे हो गए। हाँ कैमरा कुछ कुछ तो अभी यहाँ से निकलेंगे, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं बट नो इश्यूज। किसको? हाँ पहन के चलाओ, क्या ये किस लिए लिया है? यो चलो ओके बाय 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 बाय। टू:36 हो चुका है, अभी जो डेस्टिनेशन हम लोगों को दिखा रहा है दैट इज़ हाँ एस्टिमेटेड टाइम इज़ 5:00। चलो लेट्स सी क्या होता है।
बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया यार। ड्रोन शॉट आई डोंट नो कैसे आए होंगे, बट लिटरली राइडिंग के साथ में अगेन ड्रोन शॉट्स इज टू मच डिफिकल्ट, क्योंकि पूरा सेटिंग वेटिंग करो एंड बहुत सारा। तो अभी यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर दिखा रहा है। लिटरली अमेजिंग व्यू था। बीच थोड़ा सा साफ नहीं था बिकॉज ट्राई करेंगे आई थिंक धनुषकोडी जाएंगे कल सुबह, आज तो ना हो पाएगा। सो अगर आप लोगों को ड्रोन शॉट पसंद आया है तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो भाई। सो अभी हम लोग हैं रामेश्वरम से 70 किलोमीटर्स दूर। मस्त वाला रोड है और इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट लग रहा है ना, मतलब पूछो मत भाई मत क्या रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मीटर इधर हो जा रहा है विंड ब्लास्ट की वजह से, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट चल रहा है। ये देखो देख के नहीं लग रहा है सर, जयपुर राजस्थान कहीं पर जा रखे हैं हम लोग, पूरा बबूल वाला पेड़ है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से भी, एंड थोड़ा सा ही है आगे जाएंगे। एक्चुअली ठंडा पानी कहीं पे मिलेगा क्योंकि हाइड्रेशन ब्लैडर में जो रखा होता पानी वो पूरा गर्म हो चुका है। सुबह भरे थे, उसके बाद में जहाँ पे रेस्टोरेंट में रुके थे वहाँ पे भरे थे। सो यहाँ से हम लोगों को लेना है लेफ्ट, और तमिल में लिखा हुआ आई थिंक रामेश्वरम ही लिखा होगा क्योंकि मैप पर दिखा रहा है। ओह शिट, मतलब मैंने देखा नहीं। धनुषकोडी इज 65 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो अभी यहाँ से देख रहे हो मैप्स पे दिखा रहा है कि लेफ्ट टर्न करना है, इधर से स्ट्रेट जाते हैं तो कन्याकुमारी इज 259 किलोमीटर्स, और लेफ्ट जाएंगे तो रामेश्वरम इज 51 किलोमीटर्स। फाइनली गाइस, मतलब बहुत लंबा राइड था आज का, इतना भी ज़्यादा नहीं था बट अच्छा खासा लंबा राइड था। हम लोग मॉर्निंग 7 o'clock निकल लिए थे, थोड़ा सा 1 घंटे बीच में रुके, एक अच्छा लोकेशन मिला था वहाँ पे ड्रोन शॉट्स लिया एंड एक जगह फ़ोटोज़ खींची, बट इट्स लिटरली वर्थ इट थोड़ी देर रुकना क्योंकि बाकी सारी चीज़ें लोकेशन अगर मिस कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे अपने को मिलेगा पंबन ब्रिज, ये वाला, ये जो यहाँ पे है जहाँ जो धनुषकोडी है उसकी स्टोरी बताएंगे आपको कल का व्लॉग भी मज़ेदार होने वाला है, मिस मत करना बिल्कुल भी। और अगर आप लोग न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है धनुषकोडी का। देखो यहाँ पर भी पूरा समुंदर है दोनों साइड। वाह, हाँ। सो हम लोग अभी पंबन चढ़ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा आप लोगों को पूरा स्ट्रेट वाला। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। यही वाला ड्रीम राइड था, इसके बाद ले लद्दाख वाला, क्या अमेजिंग व्यू है यार। मतलब ये सब अगर मिस कर दिया तो कोई जगह नहीं है भाई, जितना मर्जी फॉरेन में घूम लो अगर इंडिया नहीं एक्सप्लोर किया ना तो कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे पूरा, और ये जो लेफ्ट साइड से जो जा रहा है वो पूरा रेलवे ट्रैक है। हाँ सो ये वाला जो है, आ जाओ इधर थोड़ा सा रुक ले। ये देखो यहाँ पे जो है पूरा सा ब्रिज, पूरा ब्रिज जा रहा है। अमेजिंग, ये मेरे को लग रहा है कुछ नया ट्रैक का काम चल रहा है, नया रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। देखो इस साइड भी पूरा सी है, इधर साइड भी पूरा सी है, बहुत सही लग रहा है। तो ये जो ब्रिज है यही कनेक्ट करता है पूरा इस साइड इंडिया का इस वाला पार्ट को और उधर रामेश्वरम को, क्योंकि बीच में कोई भी और कनेक्शन का सोर्स नहीं है कि जिसके थ्रू आप जा सको। हाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ पर, बस आपको जो मेन जगह है वो दिखा देते हैं, ये वाला। तो ये वाला है पूरा पंबन ब्रिज, बहुत सही। ये तो सारे वहीं रोके हुए हैं, वायलेशन जहाँ पे बोला गया। तो हम लोग अभी यहाँ से पंबन ब्रिज में थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ ले चुके हैं और
अभी यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, बिल्कुल ब्लू कलर का और थोड़ा सा ग्रीनिश सा पानी है। राइट साइड में अलग दिख रहा है, एक्चुअली लेफ्ट साइड में ब्लू दिख रहा है। नहीं अभी धनुषकोटी जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो उसका आप लोगों को बताऊंगा रीज़न कल वाले ब्लॉग में जब धनुषकोटी विजिट करेंगे। अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बीच वाला साइड जा रहे थे, बट दिस साइड इट्स नॉट अलाउड आफ्टर 5 o'clock, तो अभी हम लोग यहाँ से दूसरी वाली साइड से देखेंगे। आई थिंक पूरा जो ग्रीनरी वाला है एरिया वो अलाउड ही नहीं है वहाँ पे जाना। सो हम लोगों ने यहाँ पे बाइक घुसा दी है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं क्योंकि धनुषकोटी तो बंद था। यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि कोई अच्छा व्यू मिल जाए एटलीस्ट। ओ बॉय साहब, बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पे तो। हाँ यहीं खड़ी कर देता हूँ और आगे लेके नहीं जाऊँगा। देखो उस साइड में जो है ब्लू येलो कलर का वो काफ़ी दूर है उस साइड से, दैट इज़ रामेश्वरम टेम्पल, और ये वाला पूरा डॉकिया टाइप से है। सो अभी हम लोग यहाँ पे रामेश्वरम जा रहे हैं, तो दिस इज़ वेस्ट टावर, राइट साइड में जाना अलाउड नहीं है, वेस्ट टावर है। अच्छा लग रहा है बहुत, और देखते हैं थोड़ा आसपास से ही देखेंगे, मंदिर में जाएंगे नहीं क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कोविड रीज़न है। वे टू तीर्थम बेदिंग, ओके। जो मेन रामेश्वरम टेम्पल है वो बीच में, एक्चुअली वहाँ पे हम लोग जा नहीं पाएंगे। हाँ मेन एंट्रेंस यहाँ पे आ गया है फ्रंट में, बहुत भीड़ है भाई, इधर इधर नहीं जाएंगे, मतलब ये सेफ नहीं है एक्चुअली। कोविड के टाइम में बेटर है कि थोड़ा सा दूर से ही दर्शन कर लो। और ऑलराइट गाइस, तो आज का राइड अमेजिंग रहा, मतलब मज़ा आ गया। सो पौंडीचेरी से हम लोग निकले थे 7 बजे और पम्बन पहुँचे 5 बजे, तो काफ़ी लंबा राइड था आज का, बट मतलब ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया। बीच में विंड ब्लास्ट ऐसा खतरनाक वाला लग रहा था कि मतलब उड़ जाएंगे, एक एक मीटर तक बाइक साइड में हो जा रही थी विंड ब्लास्ट की वजह से। जो आज हम लोग जब पहुँचे तो धनुषकोडी जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है। सो कल जो मॉर्निंग का सनराइज देखेंगे हम लोग वो धनुषकोडी में देखेंगे, बहुत अमेजिंग वाला व्यू होने वाला है एंड बहुत ही अच्छा ड्रोन शॉट आएगा, आई जस्ट होप, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, ट्राई करेंगे थोड़ा सा अच्छा सा कैप्चर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो सो दैट यू डोंट मिस माई अपकमिंग व्लॉग्स। तो कल हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का भी जो हम लोग रोड लेंगे वो कोस्टल रोड लेंगे, बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता, और क्योंकि हाईवे लेते हैं तो ट्रक्स व्रक्स आते रहते हैं। तो जो कल का डिस्टेंस है रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक का, दैट इज़ 330 किलोमीटर्स, और अगर कोस्टल से लिया तो आई थिंक 20 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा, सारा डेटा कॉपी हो जाएगा उसके बाद में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम, डेटा अगर कॉपी नहीं होगा कंटेंट कहाँ से आएगा, ब्लॉगर्स लाइफ। ये देखो कल का ब्लॉग भी अमेजिंग रहेगा, आपको स्टोरी सारी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, माई इंस्टाग्राम आईडी इज विकेट राइडर ऑफिशियल, और स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और बहुत अमेजिंग राइड होने वाली है कल वाली भी। तो दैट्स इट, दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।